नमस्कार, हरे कृष्णा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्ष 2018 से लगातार हम ज्ञानम संस्थान की ओर से ज्ञानम आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन करते चले आ रहे हैं। पिछले वर्ष 2020 में कोविड-19 के चलते कार्यक्रम में कुछ व्यवधान उपस्थित हुए, क्योंकि एक साथ बड़े समूह का एकजुट होकर एक ही मंच साझा करना संभव नहीं था। कुछ सरकारी निर्देशों की पालना जरूरी थी और कुछ हमारी मानवीय संवेदना भी इसे स्वीकार नहीं करती थी कि किसी तरह हम किसी के लिए संकट पैदा कर दें, क्योंकि दूसरों को सुखी बनाने का जो आनंद होता है, कहते हैं उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और हमारी जो संस्था है ज्ञानम, उसका प्रमुख उद्देश्य भी यही है कि किस तरह हम दूसरों को सुखी बनाएं, किस तरह से हम दूसरों के जीवन को सफल बना सकें। इसके लिए हम हमेशा हमारे महा आयोजन के समय आमंत्रित करते हैं ज्ञानी गुरुओं, विषय विशेषज्ञों, आध्यात्मिक संतों, सूफी संतों, राजनेताओं, युवा नेताओं और कला साहित्य से जुड़े सभी दिग्गज कलाकारों, क्योंकि जीवन सफल बनाने के लिए सही मार्गदर्शन अति आवश्यक है और सही मार्गदर्शन देने के लिए सही व्यक्ति आवश्यक है। कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसा होना चाहिए जैसे अनाज का सूप, अनाज छानने वाला सूप। और जिस तरह से हम सूप में अनाज डालते हैं और उसे छिटकते हैं, सारी जो गंदगी होती है वो बाहर चली जाती है और अंदर जो है अच्छा अनाज रह जाता है। उसी प्रकार अगर हमें अच्छा मार्गदर्शन मिले, सही मार्गदर्शन मिले, तो हमारे जीवन से भी सभी विकार बाहर चले जाते हैं और अच्छी अच्छी चीजें हमारे अंदर आ जाती हैं। और अंदर अगर हमारा मन साफ होगा तो नेचुरली हमारा जो जीवन है वो सफल हो ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आज जब हम इस सोशल मीडिया को अपना प्लेटफॉर्म बनाकर और आप सबके बीच में इस मंच को साझा करना चाहते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, सही मार्गदर्शन को पाने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा का आनंद लीजिए। इस सत्र को शुरू करने के लिए हम सबसे पहले स्वामी संवित सोमगिरी जी महाराज, शिववाड़ी महंत बीकानेर का स्वागत करते हैं और प्रथम सत्र हम उन्हीं के साथ शुरू करते हैं। आचार्यम् केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रद्धा गर्भगृहांतस्थां श्रुतिमूर्ध्नि लसत्पदां संविस्वरूपिणीं वंदे स्वात्मरूपां परां शिवां। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमो विराट स्वरूपिणे, नमः सूत्रात्ममूर्तये, नमो व्याकृत रूपिणे, नमः श्री ब्रह्ममूर्तये, नमः श्री ब्रह्ममूर्तये। ओम तत्सत्। परब्रह्मणे नमः। आज की अत्यंत ही महनीय मंगलमय पावन प्रेरणास्पद अनुपम आह्लादक अवसर पर मां भारती के चरणों में कोटिश वंदन करता हूं। द फेस्टिवल ऑफ इटर्नल जॉय एंड पीस, इटर्नल जॉय एंड इटर्नल पीस ज्ञानम। अब उस परब्रह्म ने जो असंख्य सूरज का प्रकाश जिनमें है और वह दीपक में प्रकट हो रहा है, और श्री
दीपक गोस्वामी, आओ चलें अध्यात्म की ओर। प्रतिवर्ष इस उत्सव को मनाते हैं। सारे ब्रह्मांड में जो उत्सव चल रहा है, महा उत्सव महारास, उसमें यह उत्सव भी इन विपरीत परिस्थितियों में विशेष उल्लास को लेकर, विशेष चिंतन मनन को लेकर के प्रारंभ हो रहा है। लक्षण प्रमाणाभ्यम वस्तु सिद्धि। हम जब किसी विषय को लेते हैं तो पहले उसको डिफाइन करते हैं, लक्षण। और लक्षण शब्द है कि जो अन्य अपने से इतर जो अस्तित्व हैं, जो इयत्ताएं हैं, उनसे विलक्षण और साथ में अपनी निजता को, अपने आप को पूर्णतः परिभाषित करते हैं, उसको लक्षण कहते हैं। और साथ में इसमें प्रमाण क्या है, तो लक्षण और प्रमाण के द्वारा ही किसी वस्तु का प्रतिपादन होता है, परिपूर्ण प्रतिपादन। इसलिए जब हम धर्म की बात करते हैं तो मुझे स्मरण होता है भगवान वेद व्यास के द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र का, जिसमें प्रथम सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हम धर्म की बात बिना ब्रह्म की बात किए कर ही नहीं सकते। ब्रह्म और धर्म का क्या संबंध है वह अभी उद्घाटित होता चला जाएगा। उसके पूर्व में धर्मराज का वंदन करता हूँ, उस परब्रह्म का वंदन करता हूँ, उस परब्रह्म के जो प्राकट्य हैं शिव शक्ति, हरि हर और शक्ति, और उनके जो वाहन हैं, जो नंदीश्वर है, जो वृषभ और जो सिंह है, जो गरुड़ है, इन सबके प्रति वंदन करता हूँ। ये सब धर्म के प्रतीक हैं, धर्म के तत्व इनमें स्पष्ट होते हैं। तो वेद व्यास जी ने जब यह जिज्ञासा किया था तो ब्रह्म जिज्ञासा और लक्षण क्या, जन्माद्य से यतः, जो जगत की सृष्टि स्थिति लय आदि करता है वो ब्रह्म है। और तुरंत उसके बाद में तृतीय सूत्र आता है, शास्त्र योनित्वात् अर्थात वो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्यत शास्त्र योनित्ता योनित्वात्। शास्त्र किसको कहते हैं, और हम वेद को परम प्रमाण मानते हैं, वेद को अपौरुषेय मानते हैं, अनंत मानते हैं, अनंतावि वेदः, यह अपौरुष है, यह चैतन्य का विवर्त है, ईश्वर का विवर्त है। ऐसे वेद में 1,00,000 मंत्र आज भी हमको उपलब्ध हैं। इनका एक वैखरी रूप है, इनका एक मध्यमा रूप है, इनका एक पश्चंती रूप है। पर ईश्वर जब सृष्टि करने की इच्छा करता है तो उसका जो सिहरना है, उसका उत्पुलकित होना है, उसका जो विवर्तित होना है, बिना चले चलना है, बिना परिवर्तित हुए प्रकटन करना है, उसको वेद कहते हैं। द वर्ल्ड इज मोर ऑफ ए थॉट देन ए थिंग। आज विज्ञान शने शने उस तरफ बढ़ रहा है, इसलिए इस वेद को लेकर हम आगे चिंतन को बढ़ाते हैं। अब ब्रह्म की परिभाषा में बताया कि जो सृष्टि स्थिति लय निग्रह अनुग्रह करता है, पर वह स्वरूप में क्या है, वह सजाती विजाती स्वगत भेद से रहित है, वह देश काल वस्तु परिच्छेद से रहित है, और वह अपनी ही अनिर्वचनीय शक्ति को लेकर के पंचकृत्य करता है। इसलिए हमको चिंतन करना चाहिए कि धर्म की परिभाषा क्या है। यह संस्कृत भाषा का शब्द है, और ध्रिय धारणे कर्ता के अर्थ में मन प्रत्यय लग करके यह शब्द बनता है, जो धारण करता है, सबका धारण करता है, जिसको धारण करना चाहिए या मनुष्य के संदर्भ में। इसलिए हम सार की बात करेंगे, विस्तार की बात करेंगे, हम रूप की बात करेंगे, स्वरूप की बात करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शिव का और उनकी शक्ति का, भवानी का स्मरण किया और बताया वो जगत का सार है। तो हम सार क्या है इसको देखेंगे। सार वह है जो अविनाशी होता है, बदलता नहीं है, एक जैसा रहता है। वह जगत में अस्थि भांति प्रिय रूप से है, वह चचित आनंद रूप से है, वह इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया रूप से है। पर विस्तार की बात का तो कहना ही क्या, देश में काल में वस्तु में विस्तार का कोई अंत ही नहीं।
कितने प्रकाश वर्षों तक चले चले जाएं, आपको आकाश की सीमा का पता नहीं लगेगा। भूत में चाहे जितना गहरे चले जाएं, भविष्य में जाने की कल्पना कर लें, चले जाएं, पर देश काल वस्तु इसका विस्तार अनंत विस्तार है। उसमें विषमता है, विभिन्नता है, प्रचुरता है, वैपुल्य है, उसमें द्वंद्व भी है। इसलिए हम जब धर्म के रूप की बात करते हैं, पर हम पहले स्वरूप की बात करेंगे, धर्म का स्वरूप क्या है, पर धर्म क्या है जो धारण करने वाला तत्व है। पर उसमें जाने के पहले हमको अपने पर भी थोड़ा दृष्टि डालनी चाहिए, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है। जब से होश संभाला है, स्मृति हमारी जाती है, और उसके पश्चात हमारा रूप निरंतर बदलता चला जा रहा है, पर हमारे अंदर एक अनविंकिंग आई है, एक विटनेस, एक साक्षी, एक अविनाशी तत्व है, उसकी तरफ हमारा ध्यान जाता नहीं। जब उसकी तरफ हमारा ध्यान जाना शुरू हो जाएगा, तब धर्म के स्वरूप की तरफ भी हमारी दृष्टि जाना प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए स्वरूप का चिंतन करने के लिए हमको उसके रूप का चिंतन करना चाहिए। स्वरूप मैंने बताया, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो एक अनिर्वचनीय सत्ता है। उस पर ब्रह्म की जो स्पंदन करने की शक्ति है, जो इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति रूप है। इसलिए इस शब्द पर चिंतन करते हैं तो हम एक विराट के स्तर पर चिंतन करना चाहेंगे। मानव के संदर्भ में इसका चिंतन मैं तुरंत करूंगा, पर वेद में एक शब्द आया है धर्म के लिए, तैतृ उपनिषद आया सत्यम वद धर्मं चर, पर धर्म के लिए ऋत शब्द भी आया है, और ये ऋत शब्द अपभ्रंश होकर के रिदम के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे मातृ मदर बन गया, पितृ फादर बन गया, भ्रातृ ब्रदर बन गया, वैसे रिदम शब्द रिदम बन गया। इसलिए हम धर्म को कहते हैं कॉस्मिक रिदम, कॉस्मिक हार्मनी, कॉस्मिक लॉ, कॉस्मिक इंटेंट, कॉस्मिक पर्पस, कॉस्मिक पैटर्न, कॉस्मिक डिजाइन, कॉस्मिक डांस, कॉस्मिक सॉन्ग, कॉस्मिक पोएट्री, कॉस्मिक हार्मनी, कॉस्मिक रेजोनेंस, कॉस्मिक बैलेंस, बैलेंस ऑर्डर, जस्ट राइट एस्पेक्ट, और कॉस्मिक ऑर्केस्ट्रा, कॉस्मिक सिंफनी। कंपैशन, क्योंकि वह जो कॉस्मोस है वो उसका वो चिन्मय रूप है। इसलिए बार बार गीता में इसको बताया, मम साधर्म आगता, 14वें अध्याय में बताया, दूसरे श्लोक में। जैसे ज्ञान की बात करते हैं भगवत गीता के इस अध्याय में, कि वो मेरे साधर्म को प्राप्त कर लेता है, ऐसा व्यक्ति शाश्वत धर्म गोप्ता सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे अनात्म धर्मों का परित्याग करके और मेरे साथ एकाकार हो जाओ। 14वें अध्याय में इसका उल्लेख किया, 18वें अध्याय में ध्रुवा नीति करके धर्म के स्वरूप का उल्लेख किया है। इस धर्म वह यूनिफाइड फोर्स फील्ड है, वैज्ञानिकों की भाषा में कहें, पर वो इसको जड़ शक्ति कहते हैं, नहीं जड़ शक्ति चैतन्य शक्ति है। इसलिए हमारे यहाँ पर वृषभ को, सिंह को, गरुड़ को, यहाँ तक कि जो जो उस पर ब्रह्म के रूप हैं, वो जिस वाहन को लेकर गति करते हैं, वो धर्म का एक आस्पेक्ट है। इसलिए स्वरूप को जानने के पहले रूप पर चिंतन करना चाहिए। कितने रूप हैं संसार के, सारे जगत में प्रत्येक पार्टिकल को ले लिए उसका एक धर्म है। 5 महाभूतों में आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सबका अपना अपना धर्म है। इनके जितने असंख्य रूप हैं उनका अपना अपना धर्म है। सारे जगत के लिए भी यहाँ पर बताया, नाम रूपात्मकम जगत गच्छति इति जगत, संसार इति संसार, अग्निशोमात्मकम जगत, जो निरंतर बदलता रहता है, इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, इंटर रिलेटेड, जो निरंतर इस प्रकार से एक असंख्य इकोसिस्टम्स अपने आप में जुड़े रह करके और गतिशील होते हैं, उसको धर्म कहते हैं। तो सजीव को, निर्जीव को, स्थूल को, सूक्ष्म को, कारण को, पंचीकृत को, अपंचीकृत को, जागृत स्वप्न सुषुप्ति को, माइक्रो मैक्रो को लेकर के जो एक गतिशीलता है, उसके अंदर वेद के मंत्र कहते हैं पश्चिम काव्यम। तो धर्म के इस रूप के अंदर भी हम देखते हैं कि चाहे वो छोटे से छोटा पार्टिकल हो, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, सब पार्टिकल्स, फर्मियंस, हिग्स बोसोन, सबका अपना अपना धर्म है। तो इसलिए धर्म के विषय में धर्म के रूप को समझें, और रूप के अंदर इसका स्वरूप अक्षुण्ण रहता है, हमारे शास्त्र इसके लिए प्रमाण है।
पर यहां पर जो विषय उठाया गया बहुत महत्वपूर्ण है, मनुष्य का धर्म क्या है, इस पर आप चिंतन कर देना। हर प्राणी का एक लक्षण होता है, उसका एक धर्म होता है, और सारे उस कॉस्मिक लॉ के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं। दे आर फॉलोइंग द कॉस्मिक ऑर्डर, जिसको कहते हैं वो वर्तन कर रहे हैं। पर मनुष्य बंदर की पूंछ घिसने से नहीं बन गया, इस भ्रांति को तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसा नहीं कि समुद्र के अंदर एक सेल प्रकट हुआ और फिर मछलियां बनी और दूसरे बने, सरी सपने आदि बने और बंदर की पूंछ घिस गई और मनुष्य बन गया। हमारे यहाँ प्रमाण है इसके लिए, श्रुति वेद प्रमाण है, वेद के अनुसार दूसरे शास्त्र प्रमाण है, हमारी बुद्धि हमारी तर्क शक्ति इसके लिए प्रमाण है, तर्क को भी ऋषि का, और हमारी अनुभूति इसके लिए प्रमाण है। और भगवत गीता कहती है, महर्षय सत्य पूर्व चत्वारो मनवस तथा मद्भावा मानसा जाता हे श्याम लोक इमा प्रजा। पहले मानसिक सृष्टि, अगर हमारे जस्ट से छोटा सा माइंड प्रतिदिन स्वप्न अवस्था के अंदर पता नहीं क्या 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 बना लेता है, तो उस कॉस्मिक माइंड के लिए क्या कहेंगे, कॉस्मिक इंटेलिजेंस के लिए क्या कहेंगे, कॉस्मिक कॉन्शियस के लिए क्या कहेंगे, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं। इसलिए मानसिक सृष्टि और मैथुनी सृष्टि बाद में होती है। तो इसलिए जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि जगत का एक पारमार्थिक दर्शन है, शास्त्र उसमें प्रमाण है, अनुभूति उसमें प्रमाण है, जिन्होंने उस अद्वैत का अनुभव किया, प्रपंचोपशमं शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय, वह आत्मा है वो परब्रह्म जो जगत का कारण, जिसका मैंने लक्षण आपके सामने दिया, द्विदेश काल वस परिच्छेद से रहित, सजाति विजाति स्वगत भेद से रहित, पर शून्य नहीं वो पूर्ण है, सच्चिदानंद घन है, और वही आत्मा है, और उसी को प्राप्त करने के लिए दुर्लभ मनुष्य का जन्म हमको प्राप्त हुआ। हम धर्म के स्वरूप की रूप की चर्चा करें और पूर्व जन्म को और आगे के संभावित जन्म की बात न करें, और वो धर्म ही धर्म क्या है जो हमको आवागमन से न छोड़ाए। इसलिए धर्म मनुष्य के संदर्भ में धर्म का स्वरूप क्या है, इसके लिए चिद जड़ ग्रंथि को समझना होगा। एक अखंड अद्वितीय असंग चैतन्य ने अपने प्राइमोर्डियल ऑब्जेक्टिविटी को प्रोजेक्ट किया और उसके अंदर एंटर हो गया। तो ये जो प्रोजेक्ट किया वो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, जिसको गीता के सातवें अध्याय में अपरा प्रकृति कहा, और परा प्रकृति माने जीव भूता महाबाहो ये एकदम धार्यते जगत, को धारण करने वाली जीव भूता है और धारण करने वाला तत्व है वो धर्म तत्व होता है। इसलिए सारी त्रिगुणात्मक प्रकृति के अंदर प्रविष्ट होकर के रहता है, पर वो जीव इसीलिए बन जाता है, चैतन्य और जड़ की ग्रंथि लग जाती है, और धर्म वो है जो इस ग्रंथि को धीरे धीरे ढीला करते करते और अंत में इसको काट करके रख देता है। और इसके लिए दुर्लभ मनुष्य का जन्म, अन्य सारे प्राणी तो वर्तन करते हैं कॉस्मिक ऑर्डर का, मनुष्य ऋषियों की संतान है, उसको शास्त्र दिए गए हैं, इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा। इसलिए वेदो खिलो धर्म मूलम स्मृति ही लेश तद्विदाम आचारश्चैव साधुनाम आत्मनः तुष्टिरेव च। मैंने बचपन के अंदर राजस्थानी भाषा में सुना था, धर्मरी जड़ हरि, अब उस समय परिपक्व बुद्धि नहीं थी तो धर्मरी जड़ हरि, तो हरि का मैंने ग्रीम समझा कि धर्म की जो जड़ है जो रूट है वो हरे रंग की है, धर्म की जड़ हरि, बाद में पता नहीं हरि है। धर्म से प्रभु अच्युत है, विष्णु सहस्र नाम का धर्म का जो हम मनुष्य के संदर्भ में धर्म है, उसका जो प्रभु है उसका आधार है वो अच्युत है, अपरिवर्तनशील एक सत्ता है, वो सत स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, आनंद ही चैतन्य है, चैतन्य ही सत है। इसलिए धर्म की बात करना मनुष्य के संदर्भ में एक न बदलने वाला धर्म है, पर धर्म के जो रूप है उनको भी समझना, एक वर्ण धर्म होता है, एक आश्रम धर्म होता है, कुल धर्म होता है, जाति धर्म होता है, राष्ट्र धर्म होता है, पर मनुष्य के संदर्भ में वास्तव में मनुष्य का धर्म है कि वो मृत्यु को जीत ले, उसको कैपेसिटी दी गई है, यदि उस क्षमता का प्रयोग नहीं करता है जो टाइम को ट्रांसेंड करता है, देश के परे, काल के परे, वस्तु के परे, अपने आप के परे, उसके अंदर एक जिज्ञासा है, जिगीर्षा है, जिज्ञासा है, सुख इच्छा है, सर्जन इच्छा है, इन सबको दीप्त करने वाला जो तत्व है वो धर्म तत्व है मनुष्य के संदर्भ में। इसलिए वो चाहे सार्वभौम है, सार्वकालिक है, सार्वजनीन है, इसको दशकम धर्म लक्षणम मनुमहाराज कहते हैं, तृतीय क्षमा दमोस्तयम शौच शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। भगवदगीता में 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति के रूप में इसका उल्लेख किया हुआ है। वेद व्यास ने अष्टादश पुराणेशु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्, ये जा रहे हैं, हमको ले जा रहे हैं उस अविनाशी धर्म के रूप की ओर, उस धर्म के स्वरूप की ओर ले जाने वाले जितने जो आचरण करने वाले हैं, करणीय आचरण है, उन सबको हम
धर्म के स्वरूप के संदर्भ में समझना चाहेंगे, उसी प्रकार से एक और का आत्मा न प्रतिकूलानी परिश्रम न समाचरे। आपको जो बुरा लगता है किसी का व्यवहार, ऐसा व्यवहार दूसरे के प्रति नहीं करना चाहिए। इसलिए हम मनुष्य के संदर्भ में सत्कर्म, सद्भावना, सद्बुद्धि, सज्जन, सन्मार्ग, सन्नारी, सदग्रंथ, ये सत क्या है, सत श्री अकाल एक ओंकार सिख लोग में का। तो इसलिए धर्म अनेक नहीं हो सकते, पंथ अनेक हो सकते हैं। तो हम कॉस्मिक संदर्भ में ले जाकर के देखें और मनुष्य के संदर्भ में भी जो न बदलने वाले हैं, अहिंसा, सत्य, ये अपरिग्रह आदि आदि जो पतंजलि सूत्र में जिसको बताया गया और गीता में इसको बताया, अन्य शास्त्रों में इसको बताया गया है। इसलिए परिभाषा दी धर्म की कि जिसके द्वारा अभ्युदय निश्चय की सिद्धि होती है, अभ्युदय निश्चय से हेतु सधर्म कणाद महर्षि इसको बताया। ऑलराउंड डेवलपमेंट साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारे ऐसा वो डेवलपमेंट करने के लिए धर्म हमको देता है, एक बुद्धि देता है, एक मार्ग बताता है, एक विधि बताता है, जिसके द्वारा हमारा पर्यावरण क्षुब्ध नहीं होता है। पर्यावरण के साथ में एक हार्मनी में रहते हुए उसके प्रसाद के रूप से हम बाहर के क्षेत्र में गति करें, प्राप्त करें। पर ऐसा हो हमारा बाहर की उपलब्धि हो जो हमारे आंतरिक आत्मा की तरफ जाने की जो गति है उसको कुंठित न करे। इसलिए निश्रेयस, जिसको निवृत्ति धर्म भी कहा, प्रवृत्ति धर्म का, प्रवृत्ति में निवृत्ति, निवृत्ति में प्रवृत्ति, इस प्रकार से उस पूर्णता को इसी जन्म में प्राप्त करने के लिए ये धर्म हमारे साथ में रहता है। पर जो पुनर्जन्म में विश्वास कहते हैं रखते हैं, बाकी सब छूट जाएगा पर धर्म साथ में चलेगा, पर हमको आना जाना है ही नहीं। पुण्य को प्राप्त धर्म क्या देते हैं, पर क्षीण पुण्य मर्त लोकम विशंति, वापस यहीं पर आ जाते हैं। चाहे ब्रह्म लोक चले जाए माम उपेत कौन विद्यते। इसलिए एक शाश्वत जीवन का दर्शन उसके लिए धर्म के स्वरूप की बात करते हैं, धर्म के स्वरूप की तरफ, उस पूर्ण स्वरूप को जो कि उस परब्रह्म के साथ हमको एकाकार कर देता है, मम साधर्म आगता ध्रुवा नीति जिसको कहा। तो इसलिए मनुष्य के संदर्भ में इसको बताया, हाँ मनुष्य दुर्लभ मनुष्य का जन्म, इसका अनुभव करो, इसका न अनुभव करना, इसके महत्व को कम करना अपने आत्मा का धर्म है। इसे दुर्लभ मनुष्य का जन्म, उसमें भी नारी होना तो और भी महिमा की, गरिमा की, जिम्मेदारी की और तप की बात है, क्योंकि आत्मा न पुरुष है न स्त्री, और धर्म है जो पुरुषत्व और स्त्रीत्व से परे ले जा करके उस शुद्ध चैतन्य जो परम स्वरूप ही है उसके साथ एकाकार कर देता है। इसलिए पांच ऋण, चार पुरुषार्थ, चार आश्रम, चार वर्ण, 16 संस्कार और कामना भी तो लेकर के मनुष्य आता है पिछले कई जन्मों के संस्कारों के कारण, संचित कर्मों की अमाप पोटली, उसमें से एक छोटा चंक निकलता है प्रारब्ध की पोटली, और मनुष्य वो क्रियमाण कर्म ऐसा करे, विद्या ददाति विनियम, तो विनय पूर्वक अपने पौरुष को प्रकट करे। कामना पूर्ति करना है तो विश्व नियमों के, विश्व संविधान के अनुसार जिनको धर्म कहते हैं अपनी कामना, आपकी गौ माता आ जाएगी, वेद के मंत्र आ जाएंगे, एक सात्विक यज्ञ के तत्व को जानने वाला ब्राह्मण आ जाएगा। इसलिए इष्टान भोगान हो देवादास्यन्ते यज्ञ भाविता, इसलिए यज्ञ की प्रक्रिया के द्वारा ऐसे सारे कामनाओं की पूर्ति करना, पर कामना की पूर्ति से महत्वपूर्ण है आप पर ऋण है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण और भूत ऋण, जिन्होंने धर्म के शब्द को कलुषित कर दिया है, जिसके ऊपर आघात करके इसको प्रदूषित कर दिया है, इसको खंडित कर दिया है, वो जानते ही नहीं वास्तव में धर्म का अर्थ क्या होता है। केवल विज्ञान और धर्म यह विषय ही नहीं बनता, लोग इस पर चर्चा करते हैं, अपने आप को मनुष्य कहते हैं। धर्म तो सारे ब्रह्मांड के नियम तत्व को, ग्रॉस सटल एंड कॉजल, ऑर्गेनिज्म और एनवायरमेंट सबको लेकर के चलता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति को लेकर चलता है, सजीव निर्जीव को लेकर के चलता है, और इसलिए थोड़ा कुछ प्राप्त कर लिया विज्ञान और साइंस और टेक्नोलॉजी द्वारा, और धर्म और विज्ञान की बराबर करने की कोशिश करते, धर्म और विज्ञान नहीं, सारा विज्ञान सारी अपरा विद्या है वो धर्म के अंतर्गत है। इसलिए इसका हम चिंतन मनन करें तब जाकर के धर्म के स्वरूप को समझेंगे, और धर्म के अंतर्गत हमारी कर्म और उपासना, उपासना के भेद के कारण जो पारमार्थिक दर्शन को समझा नहीं, द मेटीरियल कॉज एंड एफिशिएंट कॉज, जगत का भिन्न निमित्त उपादान कारण शुद्ध चैतन्य है और वही आत्मा है, इसको भूल जाने के कारण कि उसी चैतन्य ने अपना को जीव जगत ईश्वर में जो हमेशा अविविक्त रहते हुए इंटरेक्ट करते रहते हैं, न समझने के कारण ये धर्म निरपेक्षता की भी बात करने लगे लोग, हर पंथ वाला अपने आप को धर्म कहने लगा। इसलिए एक ही शाश्वत धर्म है जो उस परब्रह्म का स्पंदित होना है, विगलित होना है, उसकी करुणा है, कॉस्मिक कंपैशन मैंने कहा था, कॉस्मिक ब्यूटी उसको मैंने कहा था, कॉस्मिक का मतलब परब्रह्म की, ईश्वर की,
ऐसे धर्म के प्रति मैं बारंबार वंदन करता हूँ और उस धर्म के स्वरूप को जो हमको परब्रह्म के साथ एकाकार कर देता है उसको वंदन करता हूँ। और ऐसी जो जिज्ञासाएं करते हैं, ऐसी जिज्ञासाएं जिनमें है, ऐसी जिजीवशा जिनमें है, ऐसी जिकीर्षा जिनमें है, जहां अधर्म जो विश्व नियमों को तोड़ने वाला है, हमारे चेतन को कुंठित करने वाला है, उसके विरुद्ध में जो इस प्रकार से असंख्य दीपक प्रज्वलित करने वाले हैं, उनके प्रति मैं वंदन करता हूँ। और उस धर्म तत्व के प्रति, ब्रह्म तत्व के प्रति उसका प्रतिपादन करने वाले वेद भगवान के प्रति कोटि से वंदन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम।